नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबूराम स्वामी, महाराजा बी विक्रम कॉलेज अगरतला, नेहरू युवा केंद्र संगठन का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी को त्रिपुरा के विषय में जानने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब मिलकर जानेंगे इस अनुपम राज्य की बातें। सर्वप्रथम हम इसके इतिहास पर चर्चा करेंगे। त्रिपुरा उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित भारत का एक प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत राज्य है। यह भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम दिशाओं में तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है। असम एवं मिजोरम ज्ञान के देवता के उदय होने वाली दिशा पूर्व से इसकी सीमा सटी हुई है। माणिक्य राजवंश इस पावन धरा पर राज्य करते रहे। यह ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी स्वतंत्र राज्य था। राज्य वंशज इसे चलाते आए हैं। संभवतः 1760 तक राधा किशोरपुर, जिसे अब उदयपुर के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी थी। राजा कृष्ण किशोर माणिक्य ने राधा किशोरपुर से अपनी राजधानी स्थानांतरित कर नूतन हवेली, जिसे अब अगरतला के नाम से जाना जाता है, अपनी राजधानी बनाई। महाराजा राधा किशोर माणिक्य ने 1901 में उजयंता महल बनवाया। ये उजयंता महल या उजयंता पैलेस भारतीय एवं मुगल संस्कृति का समागम है और इसमें ये दोनों संस्कृतियां प्रतीत होती हैं। महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य ने कुंजवन रंग महल बनवाया था, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ठहरा करते थे। यहाँ इस बात पर जोर देकर समझने वाली है कि त्रिपुरा के राजाओं ने भीषम समर विजयी नामक शीर्षक का प्रयोग करते थे। महाराजा धर्म माणिक्य ने हिंदू कमांडर ऑफ आर्मी को नारायण का नाम दिया था। महाराजा गोविंद माणिक्य की शासकीय मोहर पर सामने की ओर लिखा था अंग्रेजी भाषा में, श्री राम सत्य, जय श्री राम सत्य, और दूसरी तरफ बंगला भाषा में श्री विश्वास नारायण अंकित था। राजा राम माणिक्य एवं कृष्णा माणिक्य की राजकीय मोहर पर गुंदा हुआ था राम सत्य। राजा राम माणिक्य राम अग्नया, राजा कृष्णा माणिक्य एवं महाराजा वीर चंद्र माणिक्य की मोहर पर अंकित था गोविंद अग्ना, मीन्स इन ओबीडियंस ऑफ लॉर्ड गोविंद। महाराजा किशोर माणिक्य ने श्री हरि अग्नया, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने कृष्णा अग्नया मोहर का प्रयोग फॉर द पर्पस ऑफ स्टैंपिंग, मेकिंग इम्प्रेशंस, सिक्योरिंग, ऑथेंटिकेटिंग डॉक्यूमेंट्स, डीड्स एंड फॉर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, ऐसा किया था। कुछ लोग मानते हैं कि महाराजा त्रिपुर के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में इंडो मंगोलियन आदिवासी राजा ने इस राज्य की स्थापना की थी। बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था। 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा को संपूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। नीर महल की स्थापना महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने की थी। यह महल रुद्र सागर झील के मध्य 1930 में बनवाया गया था। इसकी प्राकृतिक अनुपम छटा को आप निहारते ही रह जाएंगे। इस महल का निर्माण भी हिंदू मुस्लिम संस्कृति से भरा हुआ है। इसमें इनका समागम देखते ही समझ में आ जाता है।
यह राजस्थान राज्य के बाद एक अनुपम एवं अनूठा उदाहरण है। महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य के राजकाल में सन 1915 में श्री ई एफ सैंडियस ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में लगभग 25 साल तक मार्क्सवादी सरकार ने राज्य किया, परंतु तब भी यहाँ नारी की पूजा होती थी। यत्र पूज्यन्ते नारी ऋतु तत्र रमन्ते देवा। माता वैष्णो देवी की तरह त्रिपुरेश्वरी माँ में भी लोगों का अटूट विश्वास है। यह शक्ति पीठ मंदिर है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी शक्ति पीठ पर माता सती जब दक्ष के दरबार में आत्मदाह कर लिया था, उसके बाद भगवान शिव के अपनी गोद में लिए घूमने के बाद भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से अलग अलग 51 खंडों में जो माता सती का शरीर के अंग यहाँ जो 51 पीठ पर पड़े थे उसमें से एक अंग माँ सती का त्रिपुरा सुंदरी शक्ति पीठ पर, इसी के कारण यह स्थान त्रिपुर सुंदरी शक्ति पीठ के नाम से प्रसिद्ध है। इस राज्य की मुख्य भाषा है बंगला एवं कॉकबोरो। महाराजा वीर विक्रम किशोर मणिक ने कहा था त्रिपुरार राज्येर राष्ट्रभाषा जे बंगला, त्रिपुरार राज्येर राष्ट्रभाषा जे बंगला आपनारा अवगतो आछेन। यह वाक्य अंग्रेजी लिपि में लिखा गया था। सन 1874 में महाराजा वीर चंद्र मणिक ने इस भाषा को दफ्तरी भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम करार दिया था। समस्त कार्यान्वयन क्रिया अब से बंगाली लिपि में ही होंगी। यह राज्य विरासत एवं संस्कृति एवं प्रकृति की अनुपम छटा के लिए बहुविख्यात होता जा रहा है। त्रिपुरा राज्य की भौगोलिक संरचना। इस प्राकृतिक सूक्ष्म राज्य का क्षेत्रफल 10,491 वर्ग किलोमीटर है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है जो बहुत ही सुंदर और अनुपम प्रकृति की छटाओं को लिए हुए हैं। पूर्व में जम्पुई पहाड़ी, पश्चिम में उनाकोटी, सखांतलिंग, लॉन्ग तराई, 18 मुड़ा कालाझरी में, 12 मुड़ा देवता मुड़ा में है। त्रिपुरा राज्य की सबसे ऊंची चोटी थाईद्वार शिवरंग चुंग बैथ लियांग छिप में है जो समुद्र तल से लगभग 975.36 ऊपर है। यह राज्य प्रकृति की अतुलनीय धरोहर है। चारों ओर हरा भरा वातावरण है। हर घर में पेड़ उगाए जाते हैं और हर घर में सब्जी उगाने की संस्कृति है। हर घर के आसपास एक तालाब भी होता है। त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 36,72,032 थी। साक्षरता भगवान सूर्य की रोशनी की कृपा से इस राज्य में अंधकार को मिटाने के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। त्रिपुरा राज्य के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय और स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस शिक्षा देने में पूरी तरह से समर्थ हैं और वर्तमान सरकार ने देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए NCERT की किताबें लागू कर दी हैं जिसमें शिक्षा का विकास एक मत रूप से आगे बढ़ाने के लिए होगा। आज 2011 के अनुसार इसका साक्षरता आंकड़ा है 87.75%, 87.75% है। वर्तमान में बंगला अंग्रेजी एवं कॉकवर्क भाषा इस राज्य की औपचारिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इस राज्य को राज्य का दर्जा 21 जनवरी 1972 में मिला। इसी दिन स्टेटहुड डे मनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह है। राज्य का पक्षी द बर्ड ऑफ द स्टेट इज ग्रीन इंपीरियल पिजन। त्रिपुरा राज्य का एनिमल ऑफ द स्टेट फायर्स लैंगूर, जैसे स्पेक्टिकल मंकी भी बोलते हैं। और यहाँ त्रिपुरा राज्य का जो
वृक्ष है अगर, त्रिपुरा राज्य की फूल है नागेश्वर और त्रिपुरा राज्य की फल है क्वीन एप्पल। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री श्री बिप्लव कुमार देव हैं। त्रिपुरा राज्य में 60 एमएलए हैं और इनके राज्यपाल हिज एक्सीलेंसी रमेश व्यास जी हैं। 2 लोकसभा सीट हैं और 1 राज्यसभा की सीट है। त्रिपुरा राज्य की जलवायु भी बहुत ही अच्छी है, यहाँ बरसात भी काफ़ी होती है, 1500 mm तक यहाँ रेनफॉल होता है। यहाँ लगभग 10 नदियाँ हैं जिसमें जो नदियाँ का पानी रेनफॉल से, ऑल रिवर्स आर रेनफेड एंड एफेमरल इन नेचर। त्रिपुरा राज्य के जो मुख्य त्यौहार हैं वो हैं गरिया पूजा, अशोकाष्टमी फेस्टिवल, तिलक फेस्टिवल, खर्ची फेस्टिवल, नीरमहल फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल और पौष संक्रांति। इसके अलावा और भी अनेक त्यौहार हैं लेकिन ये मुख्य त्यौहार त्रिपुरा राज्य में मनाए जाते हैं। त्रिपुरा राज्य की जो जनजातियां हैं उनमें है भील ट्राइब ऑफ त्रिपुरा, भूतिया ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, चकमा ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, गारो ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, हालम ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, जमातिया ट्राइब्स, खासिया, कुकी, लेपचा, लुशाई, मोग, मुंडा, नवातिया, औरंग, रियांग, संथाल एंड त्रिपुरी, उचाई ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड त्रिपुरा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर क्लोज रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा एंड इट्स 4 सक्सेसिव रूलर्स फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द स्टेट्स हिस्ट्री। त्रिपुरा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि और जंगल पर निर्भर करती है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। त्रिपुरा में चावल, आलू और अन्य सब्जियां उगाई जाती हैं। यहाँ हल्के स्तर पर, एक छोटे स्तर पर कभी कभी शुगर केन गन्ना की भी फसल होती है, लेकिन त्रिपुरा में मुख्यतः एक बंबू की विभिन्न प्रजातियों वाले बांस की फसल, बांस भी उगाया जाता है जो आर्ट एंड क्राफ्ट में विशेष भूमिका निभाता है। पर्यटन, अब हम आपको त्रिपुरा के पर्यटन की ओर लिए चलते हैं। त्रिपुरा राज्य, जैसा कि हमने पहले बताया कि एक मिक्स्ड कल्चर है, उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित त्रिपुरा में उजैंता पैलेस, नीर महल, हेरिटेज पार्क, चतुर्दश देवता, ऊना कोटी, गदुमिया मॉस्क, ट्राइबल म्यूजियम, तृष्णा, सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छबीमुरा। ये प्रकृति की जो अनुपम छटा है पहाड़ियों के कारण और घिरे हुए कारण, यहाँ आप आराम से इसको देख सकते हैं। त्रिपुरा राज्य खेल क्षेत्र में भी बहुत आगे है, यहाँ क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेल को बहुत महत्व दिया जाता है। दीपा कर्माकर एक लोकल जिमनास्ट है, सी बिकेम फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने वाली दीपा कर्माकर पहली भारतीय एथलीट्स थी। नीर महल, ऊना कोटी, भगवान, वन लेस देन द करोड़ एंजल्स और देवताओं और डेटीज का वहाँ पे इमेज बनाई हुई है। त्रिपुरा राज्य में नेहरू युवा केंद्र संगठन एक विशेष भूमिका निभा रहा है। आज त्रिपुरा के युवा वर्ग त्रिपुरा की संस्कृति, शिक्षा, ज्ञान, देशभक्ति और राष्ट्रवादिता को विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरे जोश और जुनून से इस कार्य में संलग्न है।